Hello friends, welcome to Kamal Sir's English Academy. Friends, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदी में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों के इंग्लिश मीनिंग क्या होगा. दिन भर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते रहते हैं जैसे बिगड़ैल बच्चा, हवा, लुढ़कना या फिर टटोलना, कबाब में हड्डी, 420, झोल पड़ना या झोल होना, टिकना. इन शब्दों का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा. तो कुछ 50 शब्द हैं, इन शब्दों का इंग्लिश मीनिंग आज हम सीखेंगे. इन शब्दों को अगर आप इंग्लिश में सीख जाएंगे तो आप इंग्लिश में इन शब्दों का यूज़ करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन शब्दों का कलेक्शन जब आप करें तो स्वाभाविक रूप से आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी. तो चलिए देख लेते हैं उन शब्दों को और सीखते हैं इन शब्दों के बारे में. फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक शेयर जरूर कर दें और देखते रहें. ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे. तो चलिए क्लास चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं इन 50 शब्दों को और इनके इंग्लिश को सीखते हैं. सबसे पहला वर्ड है बिगड़ैल बच्चा, इंग्लिश आया ब्रैल. फिर होगा घेर लेना, बी सेट. घेर लेना, परेशानी मुझे घेर ली है, मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूँ, ये वो वाला घेर लेना है. तो इसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे बी सेट. फिर डबडबाना, डबडबाना आंखें डबडबा गई कह सकते हैं, या कप या ग्लास डबडबा गया है तो उसका होगा ब्रिमिंग विथ, यानी डबडबाना. फिर आएगा मुफ्त, बख्शी. आजकल जो ऐसे शब्दों का यूज़ मैं सुनता हूँ हिंदी में कहीं कहीं पे, जिसे हम कहते हैं फोकटिया, बख्शी. बिना पे किए आपको जो चीज़ मिलता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ बख्शी. हवा बगबियर, भय डर जो है वो बगबियर है. सत्य को स्वीकारना, कंसीड. हाथ की सफाई, कंजोर या स्लेट. हाथ की सफाई है मतलब कोई जादू नहीं है, आपके दिमाग है, आपने दिमाग लगाया, हम उसे कंजोर शब्द कहेंगे. उल्टा कन्वर्स, उल्टा करके देख लो, कन्वर्स. फिर नेक्स्ट वर्ड जो आ रहे हैं कॉपुलेट, दोहा. दोहा के लिए हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो कॉपुलेट है. नकलची बच्चा, कॉपीकेट. हाथ से बच्चे को झुलाना, छोटे बच्चों को जो हम हाथ से या पैर से झुलाते हैं उसके लिए शब्द होगा डेंडल. टालना, डॉज, DODGE. असली रूप दिखाना, डिबंक. खजाना पाते ही वह अपना असली रूप दिखा दिया, हम ऐसा एक सेंटेंस बनाएं तो डिबंक. फिर आएगा खपाना, डिस्पोज. किसी चीज को खपाना, उपयोग में ला के उसको पूरा यूज करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पोज. फिर होगा सहानुभूति, एम्पैथी. फिर नेक्स्ट वर्ड जो आ रहे हैं वो है सनक, पागलपन, फैड. बलि का बकरा, फैल गाई या स्कैप गॉट. भाग्य में लिखा हुआ, फैटेड. बहाना करना, फैन, FEIGN, फैन. फिसड्डी होना, फियास्को. तुक्का मारना या तुक्का, फ्लूक, FLUKE, फ्लूक, यानी तुक्का मारना. ग्रोप, टटोलना. भुनभुनाना, ग्रॉल. ग्रॉल एक हम आप किसी से मतलब इरिटेट होना, दैट इज कॉल्ड भुनभुनाना, ग्रॉल. पीछे पीछे जाना, किसी के पीछे लग्गू होना, हैंगर ऑन. सूझबूझ, इंस्टिंक्ट. जूठन, लैप्टोवर.
शुभंकर, जिसे हम ताबीज भी कहते हैं, मैस्कॉट। एम्यूलेट शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं शुभंकर के लिए, एम्यूलेट, कवच। मुंह फुलाए रखना, मोप। बेचैनी, मेलाइस। बुद्धू या भोला, नैव। चुपके से सुनना, ओवर हियर। दबे पांव चलना, प्रॉल। तथा कथित, जिसे हम इंग्लिश में सो कॉल्ड कहते हैं, तथा कथित, यानी परपोटेड, परपोटेड तथा कथित। पीछे हटना, रिसीट। उछल कूद करना, इस शब्द का प्रयोग आप जंप एंड प्ले तो करते हैं, पर जंप एंड प्ले के लिए एक शब्द है रोम्ब, ROMB, उछल कूद करना। झोल, हिंदी में झोल जो शब्द है, कहते हैं कि भाई बात कुछ और है, मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। बीच में झोल आना, यानी रस्सी बांधते हैं, बीच में झोल आया, स्लैक। फिर आएगा कबाब में हड्डी, स्पॉइल स्पॉट। काफी हद तक, सब्सटेंशियली। फिर छटपटाना, क्वम। उलझना, धागे आपस में उलझ गए हैं, रस्सी आपस में उलझ गए हैं, टैंगल। लुढ़कना, टिल्ट। फिर आ रहा है लालन पालन, अपब्रिंगिंग। आवारा, वेगावॉन्ट। किल्ली, वेज। कहीं पे भी अगर आप किल्ली मारते हैं या किल्ली लगाते हैं, कुछ छोटा हो गया, टेबल हिल रहा है, तो किल्ली लगाओ नीचे, वेज। बाल की खाल निकालना, निगलिंग। 420, बकनियर। गुंजाइश, लीवे। गुंजाइश शब्द का प्रयोग मोस्टली हम जब प्राइस में नेगोशिएट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई कोई गुंजाइश है क्या, कुछ कम हो सकता है क्या, इज देयर एनी लीवे। हम उसे चांस शब्द से संबोधन भी करते हैं कि इज देयर एनी चांस फॉर नेगोशिएशन, पर लीवे एक उपयुक्त वर्ड है गुंजाइश के लिए। अंधाधुंध, स्लग। हावी होना, टोवर। पटकना, प्लैंक। एंड ठाट बाट, वो होगा चिक। ये तो हैं बड़े कॉमन से शब्द, बट बहुत सारे लोगों को हो सकता है इन शब्दों का इंग्लिश नहीं पता हो, तो आप इन शब्दों को उपयोग में लाएं। जैसे आप हिंदी में उपयोग करते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश में भी उपयोग करें, उपयोग करने का कोई विशेष रूल नहीं है। अब आप हिंदी के बदले में इन शब्दों को आप इंग्लिश में यूज़ करें और अपनी भाषा को उन्नत बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कुछ ऐसे शब्दों के बारे में, 50 ऐसे शब्द हमने सीखा जो दिन भर रोजमर्रे के जीवन में आए दिन आप प्रयोग में करते रहते हैं। अब आपको इंग्लिश के मीनिंग पता चल गए हैं, तो उन इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में मिला के आप बोलें, या इंग्लिश में अगर आप पूरी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर नहीं तो हिंदी बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग जरूर करिए। तो आप जिन व्यक्तियों से बात करेंगे उनको भी लगेगा कि आपकी भाषा सुधर रही है और आप इंग्लिश के प्रति, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो रही है और आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने लगे हैं। ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सीखते हैं, और हम हमेशा सीखते ही रहेंगे। इसी धारणा के साथ, इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।